नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 52, और ये क्वेश्चन ICAI के मॉड्यूल से लिया गया है। ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उन सबसे अलग है, उन सबसे खास है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न भी अभी तक जो हमने फॉलो किए हैं पैटर्न उससे अलग है। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि सीधा सीधा समझ में भी आने में मुश्किल होती है। क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो इसे खास बनाती है, समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है मैसर्स एबीसी ट्रेड्स इन फोर व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। इट स्टॉक सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल इन ए फाइनेंशियल ईयर। द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील्ड दैट मैसर्स एबीसी ट्रेड्स एक्सपीरियंस्ड स्टॉक आउट ऑफ टायर। अब यहाँ पे एक कंपनी है जो कि ABC है, वो ट्रेड करती है फोर व्हीलर टायर्स में। वो अपने पास क्वांटिटी सफिशियंट रखती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टॉक हमारे पास नहीं होता, यूनिट आउट ऑफ स्टॉक होती है। और ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस के लिए यूनिट आउट ऑफ स्टॉक होना उसके लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट बन जाता है। आप अगर एक पीस पे, मैं कहता हूँ 10 रुपये कमाते हैं और आपकी दुकान पे बेचने के लिए किसी समय वो यूनिट नहीं होती और एक कस्टमर आके वो मांगता है, तो आप वो जो 10 रुपीज़ कमा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे और यही आपके लिए एक लॉस का सबब बन जाएगा। तो यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्टॉक नहीं होता, यूनिट सप्लाई करने के लिए नहीं होती, जिससे हमें लॉस फेस करना पड़ता है। ये बात मेंशन भी है कि हमें कितना लॉस होता है। मैसर्स एबीसी ट्रेड्स लॉस ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। जब हमारी डिमांड शॉर्ट हो जाती है, जब हमारी डिमांड हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तब हमें हर एक पीस जो हमने सप्लाई नहीं किया ₹150 का लॉस एक तरह से सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो 150 था, तो अगर हमने वो सप्लाई नहीं की तो वो जो लॉस है वो भी 150 ही मान लिया जाएगा। एंड स्पेंड ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग इन्वेंट्री। लेकिन ध्यान रखना, आप अगर अननेसेसरी फालतू स्टॉक अपने पास कैरी करते हैं तो हर एक यूनिट जो आप स्टोर कर रहे हैं उसको संभालने में आपको ₹50 का खर्चा भी लगता है। तो अगर आप डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो ₹150 का नुकसान है, लेकिन अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कैरी कर लिया तो आपको हर यूनिट के ऊपर ₹50 का एक और दूसरा नुकसान भी आ जाएगा, वो है स्टोरेज कॉस्ट का। इसलिए हमें यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों के अंदर, कि स्टोरेज कॉस्ट और जो हमारा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है हमारा, वो दोनों के दोनों आपस में कहीं ना कहीं मैच कर जाए और मिनिमाइज हो जाए दोनों। एक जब बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। जैसे जैसे स्टॉक आप बड़ा रखेंगे तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन आपका जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो घट जाएगा। जैसे जैसे स्टॉक आप छोटा रखेंगे तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट घटेगी, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। और कौन कौन सी यूनिट कितनी बार हमारी आउट ऑफ स्टॉक हुई उसकी अब डिटेल दी जा रही है। यहाँ पे लिखा है स्टॉक आउट ऑफ टायर हुए थे 100 यूनिट्स हमसे मांगे गए थे कई बार जब आउट ऑफ स्टॉक हो गए, और ऐसा 2 बार हुआ था। जो भी ये पीरियड है हमारा, हमें नहीं पता कितना बड़ा पीरियड है, ये 1 साल है, 6 महीने है, लेकिन इस 1 साल या 6 महीने में 2 बार ऐसा हुआ जब हमसे 100 यूनिट ऑफ टायर मांगे गए जो हमारे पास देने के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो 2 बार हम 100 यूनिट की सप्लाई में फेल हो गए। 5 बार हम 80 यूनिट को सप्लाई करने में फेल हो गए। 5 बार ऐसा हुआ कस्टमर ने आके मांगे हमसे 80 यूनिट बट हमारे पास थे नहीं और हम फेल हो गए। तो यहाँ पे हमें नुकसान हुआ होगा हर पीस पे ₹150 के हिसाब से। 10 बार ऐसा हुआ कि हम 50 यूनिट की सप्लाई देने में फेल हो गए। 20 बार ऐसा हुआ कि हम 20 यूनिट की सप्लाई देने में फेल हो गए। 30 बार ऐसा हुआ कि हम 10 यूनिट की सप्लाई देने में भी फेल हो गए, और बाकी के बार जो हैं, बाकी बार जब भी आए वो हमारे पास स्टॉक था और हम यूनिट जो है सप्लाई करने में फेल नहीं हुए। तो हम कई बार कई यूनिट की सप्लाई में फेल हो गए हैं। तो हम इसी को अब टेबल की फॉर्म में रखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हम कितनी बार कितनी सप्लाई में फेल हुए। तो सबसे पहले मैं इसमें रिवर्स पैटर्न से चलता हूँ। अगर हम यहाँ पर मान के चले हमारा स्टॉक लेवल 0 है, हमने कोई स्टॉक मेंटेन ही नहीं किया, तो जब भी ग्राहक आएगा जितनी भी यूनिट मांगेगा हम पक्का फेल होंगे। तो कौन कौन से यूनिट के ऊपर हम स्टॉक आउट हो जाएंगे? जब ग्राहक आके हमसे 10 यूनिट मांगेगा तब हम वो 10 यूनिट भी उसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉक तो है ही नहीं और हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। अगर वो 20 यूनिट मांगेगा, अगला लेवल इसमें 20 यूनिट का है, तब भी हम स्टॉक आउट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो स्टॉक है ही नहीं। जब वो 50 यूनिट मांगेगा तब भी हम स्टॉक आउट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास स्टॉक है ही नहीं। और जब 80 यूनिट मांगेगा तब भी हम स्टॉक आउट हो जाएंगे, और 100 यूनिट मांगेगा तब भी हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। अभी इस फिलहाल सिर्फ इसी की बात करते हैं कि स्टॉक आउट होने का क्या मतलब है। अब हम इसमें लेवल अप कर देते हैं, अगले लेवल पे आ जाते हैं। अभी हमने ये वाला लेवल किया, अब हम इस वाले लेवल पे आते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने अब 10 यूनिट का स्टॉक रख लिया है,
पहले स्टॉक नहीं रखा था, सारे आउट हो गए हम, अब हमने 10 यूनिट का स्टॉक रख लिया है। जब आप 10 यूनिट का स्टॉक रखेंगे तो अब 10 यूनिट की अगर डिमांड आएगी तो आप इसे मीट कर लेंगे, अब आप स्टॉक आउट नहीं होंगे, 10 यूनिट के ऊपर आप डिमांड को मीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप 20 यूनिट आ गई तब आप स्टॉक आउट हो जाएंगे, लेकिन 20 यूनिट की मांग करने पर आप 20 यूनिट से आउट नहीं होंगे, आप आउट होंगे ओनली 10 यूनिट से, क्योंकि 10 यूनिट आपके पास ऑलरेडी होंगी सप्लाई करने के लिए। तो ग्राहक आके मांगेगा 20 यूनिट, आप उसे 10 दे देंगे और 10 के लिए आउट हो जाएंगे। फिर अगर ग्राहक ने मांगी होंगी हमसे 50 यूनिट, तो 50 यूनिट अगर वो मांगता है, अगला लेवल 50 यूनिट के, 50 यूनिट अगर वो मांगता है तो आप उसमें 40 यूनिट की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। 10 तो आपके पास है ना देने के लिए, तो 10 तो आप दे देंगे लेकिन जो 40 यूनिट हैं वो आपकी शॉर्ट रह जाएगी। फिर अगर ग्राहक ने आके मांग लिया आपसे 80 यूनिट, तो 80 में से आप केवल 70 यूनिट के लिए आउट होंगे, क्योंकि 10 यूनिट आपके पास है, 10 यूनिट का आपने स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, इसलिए 70 यूनिट के लिए आप आउट हो जाएंगे। और अगर उसने मांगे 100 यूनिट तो आप 90 यूनिट के लिए आउट हो जाएंगे। ये वो सप्लाई होगी जो शॉर्ट सप्लाई रह जाएगी, आपके पास जितनी यूनिट है उतने को लेस करके बाकी के लिए आपकी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। अब अगर आपने 20 यूनिट का स्टॉक मेंटेन कर लिया तो कितनी यूनिट के लिए आप आउट हो जाएंगे या कितनी शॉर्ट सप्लाई रहेगी? 10 यूनिट की अगर डिमांड आई तो आप उसे मीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 यूनिट की डिमांड आई तब भी आप मीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास इस समय 20 यूनिट का स्टॉक है। लेकिन अगर 50 यूनिट की डिमांड आई तो 30 यूनिट आपकी शॉर्ट सप्लाई में चली जाएगी। अगर 80 यूनिट की डिमांड आई तो 60 यूनिट आपकी शॉर्ट सप्लाई में चली जाएगी, और अगर 100 यूनिट आई तो 80 यूनिट आपकी शॉर्ट सप्लाई में चली जाएगी। तो जो यूनिट आपने अपने स्टॉक में मेंटेन कर लिया है उससे एक्सेस जितनी भी यूनिट होंगी डिमांड की वो शॉर्ट सप्लाई में या स्टॉक आउट में चली जाएंगी। अब हम रख लेते हैं अपना स्टॉक 50 यूनिट का, नेक्स्ट लेवल। तो 50 यूनिट का मतलब 50 यूनिट तक की सारी डिमांड आप पूरी कर देंगे, लेकिन अगर डिमांड 80 की आ गई तो 30 यूनिट आपकी शॉर्ट सप्लाई रह जाएगी, और अगर डिमांड आपकी 100 यूनिट आ गई तो पूरी 50 यूनिट आपकी शॉर्ट सप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद इसके अंदर लेकर चलते हैं, अगर हमने डिमांड अपना स्टॉक जो है वो 80 के लेवल पे रख लिया, अगर 80 के लेवल पे रख लिया तो 80 तक की सारी डिमांड आप पूरी कर लेंगे, लेकिन अगर 100 की डिमांड आ गई तो आप 20 यूनिट के लिए शॉर्ट हो जाएंगे, आपके पास 20 यूनिट शॉर्ट पड़ेंगी। और लास्ट उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर लेवल गिवन था वो था 100 यूनिट्स का ही, तो अगर हमने 100 यूनिट का स्टॉक रखा तो हम सारी डिमांड को पूरी कर लेंगे, ये वाली डिमांड को भी पूरी कर देंगे, और हम किसी भी लेवल पे स्टॉक आउट नहीं होंगे, सारे के सारे लेवल हम अचीव कर देंगे। अच्छा, आप देख लेते हैं कि हमें लॉस कितना होगा हर एक जो स्टॉक आउट पोजीशन पे। अगर हमने 10 यूनिट शॉर्ट कर दी, हमारे पास 10 यूनिट की सप्लाई नहीं हुई, तो हमें 150 रुपये पर यूनिट के हिसाब से नुकसान होता है, तो टोटल जो हमारा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा वो हो जाएगा ₹1500। 10 यूनिट की शॉर्ट सप्लाई है, 150 रुपये कैसे 1500। अगर 20 यूनिट के लिए आपकी सप्लाई शॉर्ट रही तो आपका लॉस हो जाएगा ₹3000 का। अगर 50 यूनिट की सप्लाई आप नहीं दे पाए तो 150 के हिसाब से लॉस हो जाएगा ₹7500 का। 80 यूनिट के हिसाब से चलें तो 150 मल्टीप्लाई बाय 80 अगर कर दूँ तो वैल्यू आ रही है ₹12000 की आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर नुकसान हो जाएगा आपका ₹15000। यह है लॉस ड्यू टू स्टॉक आउट। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आपका जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 10 यूनिट्स आपका लॉस होगा, तो 10 यूनिट पे फिर से हमारा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा ₹1500 का। यहाँ पे नुकसान हमारा हो जाएगा 40 यूनिट का, तो 40 यूनिट को अगर मल्टीप्लाई करें 150 से तो लॉस हो जाएगा हमारा ₹6000 का। अगर 70 यूनिट के हिसाब से 150 का लॉस कैलकुलेट करें तो लॉस हो जाएगा ₹10500 का, और 90 यूनिट का अगर ये लॉस कंप्यूट करें तो लॉस हो जाएगा हमारा ₹13500 का। ये होगा लॉस हमारा जब हम आउट ऑफ स्टॉक होंगे, और 150 पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है। 30 का अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो लॉस हो जाएगा हमारा ₹4500 का। 60 पे हमारा लॉस हो जाएगा ₹9000 का, और 80 पे हमारा लॉस हो जाएगा ₹12000 का लॉस। 30 यूनिट में हमारा लॉस फिर से अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा ₹4500 का, और 50 यूनिट पे हमारा लॉस हो जाएगा ₹7500 का। अब 20 यूनिट पे हमारा लॉस हो जाएगा ₹3000 का, और यहाँ पे हमारा कोई लॉस नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि हमारा कितना लॉस होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं इसकी संभावना कितनी है। एक बार में एक ही तो सिचुएशन बनेगी ना, सारी सिचुएशन एक साथ तो होंगी नहीं, तो एक एक करके हम देखते हैं कि किसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप इनकी नंबर ऑफ टाइम्स को टोटल करेंगे तो पता चलेगा ये टोटल 100 है। 100 होने पर
मैं इनको ये परसेंटेज मान सकता हूँ कि 100 टाइम हमने टोटल डील किए, जिसमें से 2 बार ऐसा हुआ कि स्टॉक आउट ऑफ हो गया 100 टायर्स, मतलब 2% संभावना है कि ऐसा होगा कि 100 यूनिट की डिमांड आएगी। 100 में सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ था कि 100 यूनिट की डिमांड की गई थी और हम स्टॉक नहीं दे पाए। तो 2% प्रोबेबिलिटी है, 2% चांसेस हैं कि 100 यूनिट वाला स्टॉक आउट हो जाए। ऐसी 5%, क्योंकि टोटल 100 है इसलिए 5 बार अगर 100 में से ऐसा हुआ कि 80 यूनिट आउट होगी, इसका मतलब 5% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि हमारा स्टॉक आउट हो जाए। तो इसी तरह से हम सबकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे कितने परसेंट चांस है कि वो स्टॉक आउट हो जाए। तो 100% 100 स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी हमारी है 2%। यहाँ पे इसके होने की संभावना कितनी है, 5%, 80 यूनिट आउट होने की। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो है 10%। इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 20%, और इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 30%। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली है कि किसके होने की कितनी संभावना है। तो 10 यूनिट हमारी आउट होने की संभावना है 30%, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब उसी तरह से ये परसेंटेज जो है हम दोबारा लिख लेते हैं कि जब हमसे 20 यूनिट मांगी जाएंगी और 10 यूनिट शॉर्ट हो रही होंगी तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 20%, 10%, 5% एंड 2%। अब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ, ऊपर से एक एक लेवल कम करते चले जाएंगे क्योंकि एक एक लेवल हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी 10%, 5% एंड 2%। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 5% एंड 2%, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो है ओनली 2%, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 100 वाला लेवल ही है जिसमें फेल हो रहे हम, और लास्ट में तो किसी भी लेवल पे फेल नहीं होंगे इसलिए कोई भी प्रोबेबिलिटी की कोई बात ही नहीं होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा। एक्सपेक्टेड लॉस होगा जो लॉस है उसके होने की अकरेंस के हिसाब से लॉस कितना होगा। तो यहाँ पे 1500 रुपये का नुकसान है, लेकिन इसके होने की संभावना जो है हमारी 1500 रुपये का नुकसान जो है होने की संभावना सिर्फ 30% है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपका जो लॉस है वो कितना होगा। जब 1500 का 30% निकालते हैं, 1500 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये लॉस होता है ₹450। ऐसी अगला इसके अंदर लॉस जो है वो आपका है इसके अंदर 3000, लेकिन 3000 का लॉस होने की पॉसिबिलिटी ओनली 20% है। तो इसका 3000 का अगर कैलकुलेट करें 20%, तो फिगर आ रही है ₹600। ऐसे ही 7500 का लॉस होने की पॉसिबिलिटी निकालेंगे, 7500 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ₹750। ऐसे 12000 का हम निकाल लेंगे 5%, और फिगर आएगी ₹600। और फिर 15000 का निकाल लेंगे हम 2%, तो फिगर आ जाएगी हमारे पास ₹300। और इन सबको जोड़ लें तो हमें ओवरऑल लॉस कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो 450 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 600 प्लस 900 करें तो ये टोटल जो लॉस हो सकता है सबको मिला जुला के वो होता है 3300। एक ही घटना तो रिपीट नहीं होगी, अलग अलग संभावनाएं हर घटना के घटने की, तो इसलिए हमने उनके संभावना के हिसाब से वेटेज देकर उसका जो लॉस की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लिया। सेम यही अगली बार कर लेते हैं, डायरेक्ट अब मैं कर लेता हूँ। तो 1500 का 20% अगर निकालें तो हो जाएगा ₹300, 10% निकालें ये हो जाएगा ₹600, 5% निकालते हैं 10500 का, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10500 कर दें तो फिगर आ रही है ₹525। और उसके बाद 2% निकाल लेते हैं तो ये फिगर आ रही है ₹270। तो इस तरह से हमारी फिगर आएगी, इन सबको भी ऐड करके देख लेते हैं टोटल हमारा कितना आता है। ये आता है 300 प्लस 600 प्लस 525 प्लस 270, और ये फिगर आ रही है ₹1695। अब 4500 के नुकसान की संभावना है 10%, तो कैलकुलेट करने पर फिगर हो जाएगी 450। 9000 की संभावना 5% है, ये भी हो जाएगी 450, और 12000 की 2% हो जाएगी तो ये हो जाएगी ₹240। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये 900 प्लस 240 कर दे तो होता है ₹1140। अब 4500 का 5% निकालें तो फिगर आएगी ₹225, और 7500 का 2% निकालें तो फिगर हो जाएगी ₹150। दोनों को ऐड करने पर हो रहा है ₹375। 3000 का 2% निकालें तो ₹60 होगा, और ये टोटल ₹60 ही रह जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास होगी नील, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आउट हुआ ही नहीं तो कोई नुकसान हमारा एक्सपेक्टेड है ही नहीं।
अब कैरिंग कॉस्ट की और बात कर लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है जो स्टॉक आपने कैरी किया 50 रुपये एक पीस को संभालने में आपका खर्चा होना था, तो यहाँ पे आपने 0 यूनिट कैरी की, 50 रुपये के हिसाब से आपका नुकसान हुआ, इसके अंदर खर्चा हुआ कितना? नील, कोई खर्चा ही नहीं हुआ आपका, ₹0। देन उसके बाद आपने यहाँ पे 10 यूनिट कैरी किए, तो 10 यूनिट कैरी किए तो 10 यूनिट के ऊपर 50 रुपये से आपका खर्चा हुआ होगा ₹500। यहाँ पे आपने 20 रुपीज़ कैरी किए तो 20 यूनिट्स पे 50 रुपये के हिसाब से आपका खर्चा हुआ होगा ₹1000। और यहाँ पे 50 यूनिट आपने कैरी किए, 50 रुपीज़ के हिसाब से आपका खर्चा हुआ होगा ₹2500। यहाँ पे आपने 80 यूनिट कैरी की है, 80 यूनिट पे 50 रुपये के हिसाब से आपका खर्चा होगा 4000। और यहाँ पे आपने कैरी किया 100 यूनिट, तो 50 रुपये के हिसाब से आपका खर्चा होगा ₹5000। तो ये हमने इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हमारा टाइम है इन वैल्यूज़ को ऐड करके ओवरऑल कॉस्ट को जानना। तो ये जितनी भी हमने वैल्यू निकाली है, फाइनल वैल्यू जिसके अंदर हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट है और उसके अलावा जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट है, उनको ऐड करके ओवरऑल वैल्यू जो है वो बताई जाएगी। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे फिगर आएगी ₹3300, यहाँ पे फिगर हमारे पास हो जाएगी ₹2195, यहाँ पे फिगर हमारे पास हो जाएगी 2140, यहाँ पे फिगर हमारे पास हो जाएगी ₹2875, ये फिगर हमारे पास हो जाएगी ₹4060, और ये फिगर हो जाएगी ₹5000। तो यहाँ पे अब आपके पास सारा डेटा आ गया, तो आपको फाइनल अब कंक्लूजन देना है कि सबसे कम आपकी ओवरऑल कॉस्ट कहाँ पर रही। 3300 है, फिर उसके बाद 2195 है, फिर 2140, ये जो है सबसे लीस्ट वैल्यू है इन सारी वैल्यूज़ में। तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई कितनी यूनिट कैरी करनी चाहिए, तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि डिफरेंट वे में गिवन थी, जिसको हमने डिफरेंट तरीके की टेबल बना के यहाँ पे इस बार एनालिसिस किया है, अभी तक के क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि सबसे कम वैल्यू 2140 है। और ये वैल्यू तब आई है जब हमने 20 यूनिट का स्टॉक मेंटेन किया है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात थी कि इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल अलग था, इसको समझने का पैटर्न बिल्कुल अलग था, और वही इस क्वेश्चन को यूनिक बनाता है, खास बनाता है। तो बस अब ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, दैट्स इट।